अस्सलाम वालेकुम, आई एम खबीर अहमद फ्रॉम जैके ब्लॉग हाउस। सो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं यहाँ सऊदी अरबिया में 4 साल पहले आया, आज जाके लिए निकल रहा हूँ। और ये है रायहान भाई। रायहान भाई बांग्लादेश सिलेट से है। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, तो बने रहिए। तो गाइस, फाइनली निकल आया रूम से, दमम के लिए निकला रूम से। बने रहे हमारे ब्लॉग में, आगे भी कुछ दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद यह आके पहुंचा। पता नहीं ये जगह का नाम क्या है, बस एक सुपर मार्केट है, एक होटल है और यह है पेट्रोल पंप, 2-4 दुकान है बस। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, आगे भी कुछ दिखाने के लिए कोशिश करूँगा सऊदी अरबिया के लोकेशन। यह इंटर किया एक होटल में, कुछ खा पी लेता हो। एक होटल है, छोटा सा होटल। तो दोस्तों, यह होटल में हम लोग ऑर्डर किया था रोटी, दाल और पाया। तो दोस्तों, यह रोटी वगैरह खा के निकला, अभी जाऊंगा दमम की तरफ। तो गाइस, ये था होटल, अब जाऊंगा दमम की तरफ। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये हमारे पीछे जो देख रहे हो, ये था एक मकान, एक रेस्टोरेंट था। यहाँ से हम लोग रोटी वगैरह खा लिया, अभी जाएंगे दमम की तरफ। ये एक सुपर मार्केट है, मेरे पीछे जो देख रहे हो गाइस, ये सुपर मार्केट। सऊदी अरबिया के एक छोटा सा शहर नाइरिया, यह एक सुपर मार्केट है और यह है पेट्रोल पंप। यह नाइरिया सऊदी अरबिया के एक छोटा सा शहर है, इसका नाम है नाइरिया। जा रहा हूँ दमम, यहाँ से 220 किलोमीटर जैसा है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। यह है नाइरिया। दोस्तों, यहीं पे सामने है सऊदी अरबिया के दमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहीं पे सामने गेट है। हम इंटर करेंगे अभी एयरपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ये है बेसमेंट, बेसमेंट में पार्किंग एरिया। यह हम गाड़ी पार्किंग पे लगाएंगे, फिर जाऊंगा अंदर की तरफ, टर्मिनल की तरफ। तो
तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए दमदम एयरपोर्ट। अभी यह गाड़ी पार्किंग करके टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। ये था गाड़ी पार्किंग एरिया, अभी टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, आगे भी दिखाएंगे। ये दोनों भाई है बांग्लादेश से, गाड़ी लेके मेरे साथ आया था। तो गाइस फाइनली पहुंच गया एयरपोर्ट टर्मिनल। दोस्तों ये देखिए इन एयरपोर्ट के अंदर घड़ी की दुकान। ऊपर की तरफ इंटरनेशनल डिपार्चर ऊपर है, नेशनल डिपार्चर। तो ठीक है, अल्लाह का है तो फिर मिलेंगे। पहुंच गया यहाँ तक, यहाँ इंतजार कर रहा हूँ इंटरनेशनल के लिए। तो दोस्तों फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया, लेकिन फंसा दिया था यह पेपर के लिए। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डिटेल्स फॉर इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स, ये पेपर के लिए फंसा दिया था, इसके लिए 100 रियाल ले लिया। तो चलिए बने रहिए, आगे कुछ दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। यह सामान का वेट चेक किया और बोर्डिंग पास भी चेक किया। अभी जा रहा हूँ आगे की तरफ। दोस्तों इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, अभी जा रहा हूँ आगे की तरफ, अंदर की तरफ। तो दोस्तों सब हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जा रहा हूँ, फ्लाइट आगे है शायद, देखता हूँ फ्लाइट की तरफ। अभी गेट ढूंढ रहा हूँ, गेट किसी को पूछा था तो उसने बताया कि आगे है, तो आगे की तरफ जा रहा हूँ, गेट नंबर 27। तो दोस्तों सब कुछ हो गया फाइनली, तो अभी जा रहा हूँ गेट की तरफ, गेट 27। गेट नहीं मिल रहा है 27। दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर शॉप वगैरह। तो दोस्तों फाइनली सब कुछ हो गया, मिल गया गेट भी 27। बहुत दूर पैदल चलते चलते हो गया था बंद, थोड़ा नर्वस हो गया। और ये जो मैडम है, मैम जा रही है श्रीलंका। गुलफा है ये मैडम, जा रही है श्रीलंका। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, आगे भी कुछ दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। सो थैंक यू। मिल गया एस्केलेटर, अभी एस्केलेटर से। तो दोस्तों ये था दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक घंटा से फ्लाइट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फ्लाइट 2-3 घंटा बाद आया, लेट आया, डिले आया, फिर अभी दूसरे गेट पे जाना पड़ रहा है, दूसरे गेट पे जा रहा हूँ। अभी जाना है गेट नंबर 23, तो उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो 2.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली फ्लाइट के सामने हो। 2 मिनट में ही इंटर करेंगे फ्लाइट के अंदर। तो गाइस देखते रहिए। ये था दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी यहाँ से जाऊँगा दुबई से जाऊँगा कुछ। तो दोस्तों बने रहिए। तो फाइनली पहुँच गया फ्लाइट तक, अभी फ्लाइट पे बैठा हो।
तो फ्लाइट लैंड करके रखा है इधर। तो ये था दुबई इंटरनेशनल फ्लाइट। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि हमारा फ्लाइट जाने वाला है। पहले जो फ्लाइट था वो डिले था, 2 घंटे का डिले था, इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ। बहुत जल्दी जाना है। तो दोस्तों 10 नंबर गेट से फिर बस पकड़ा, अभी फ्लाइट की तरफ जाएंगे, लेके जाएंगे फ्लाइट की तरफ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गया फ्लाइट तक और बैठ भी गया। तो 3-4 घंटा फ्लाई करना है अभी, फिर आगे भी कुछ दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, बने रहेगा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो फाइनली पहुँच गया मेरा फाइनल डेस्टिनेशन बच्चे, और यहाँ से मुझे जाना है अंगा वाली। देखता हूँ बाहर जाके क्या होता है, टैक्सी टूक्सी मिलता है कैंटर में।